चलिए, लेकिन अब मार्केट से सीधे चलते हैं गोवा, क्योंकि गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 9 फरवरी तक ये इवेंट जो है वो चलने वाला है, और इसमें क्या खास बड़े ऐलान मुमकिन है ये बताने के लिए हमारे साथ सीधे गोवा से हमारे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़े हैं। अमरीश, गुड आफ्टरनून, बताइए सर, वैसे तो आप गोवा में, अमरीश जी, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल सही कहा आपने, गोवा का जिस तरह से गोवा की एनर्जी होती है, उस तरह एनर्जी वीक में भी बहुत सारी एनर्जी प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण के साथ भर दी है। अगर हम प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करते हैं तो उन्होंने साफ कहा है कि बजट में जो 11 लाख करोड़ का जो इंफ्रा पे फंड अनाउंस हुआ था उसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी के लिए जाएगा। इसके साथ साथ दो बड़ी बातें और कही उन्होंने, वो ये कही कि 5 साल में 67 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो गैस क्षेत्र में किया जाएगा, और विशेष तौर पर ब्लेंडिंग को बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक ब्लेंडिंग 6% की, उसको बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 2025 तक का जो लक्ष्य है अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल में, वो सरकार अचीव कर रही है। साथ साथ डीजल में भी ब्लेंडिंग को शुरू किया जाएगा। तो ये दो जो है अहम बड़ी चीज़ें हैं जो कि प्रधानमंत्री ने मंच से कही थी। इसके साथ जो और बड़ी बातें हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत का पूरा लक्ष्य है कि अपने लोगों को सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल एनर्जी मुहैया कराना है, और इसके लिए सरकार कई अन्य क्षेत्रों से आगे बढ़ रही है। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं एनर्जी के, उन पर सरकार का फोकस है, और सोलर और विंड को अगर देखें तो अगले 5 सालों में सरकार का ये मानना है कि इसका जो परसेंटेज है वो 30% से पार हो जाएगा पूरे एनर्जी खपत का। तो कुल मिलाकर ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा पुश, एक बड़ा फोकस रखा हुआ है। ये जो पूरा एनर्जी वीक है उसमें अगले 3 दिनों में जो चर्चा होगी वो इस बात पे होगी कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को जोड़कर हम रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, और सस्टेनेबल एनर्जी की और सारे ऑप्शन कैसे एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अभी जो ग्लोबल सीईओज हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक भी की है, जिसमें साफ उन्होंने संदेश दिया है कि भारत एक बड़ा एनर्जी डेस्टिनेशन है। जिस तरह से हमने पॉलिसीज अनाउंस की है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की हो, चाहे वो पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हो, अपने देश में जो है प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन बढ़ा रहे हो, इन सब के लिए आपके पास एक बड़ा रूम है ताकि आप भारत में निवेश कर सकें, और आने वाले दिनों में भारत ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनके तैयार होगा। एलएनजी पे और जो क्रूड ऑयल है उस पर जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी, कम होगी। इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं उन पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और सोलर अलायंस के जरिए भारत जो है एक नई दिशा पूरे सेक्टर को देगा, और साथ साथ अपने लोगों को भी देगा। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि यहाँ से निकल कर आ रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं और किस तरह की चीज़ें होंगी। कंपनीज यहाँ पे सारी है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि कई सारे नए एमओयूज यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे बड़े ऐलान, काफ़ी सारे एमओयूज जो है वो आपको इस इंडिया एनर्जी वीक से देखने मिल सकते हैं। अमरीश, आप 9 तारीख तक वहीं है, राइट? जी। ओके, चलिए बढ़िया है। तो आप इस इवेंट पे नजर रखिएगा और पल पल की जानकारी हमें दीजिएगा।